बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपनी स्लिम ट्रिम फिगर और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो बच्चों की मम्मी बन चुकी हैं, फिर भी बेहद फिट दिखती हैं। हालांकि किसी भी आम महिला की तरह प्रेगनेंसी के दिनों में इनकी बॉडी में भी कई तरह के बदलाव आए थे। शिल्पा शेट्टी से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन और करीना कपूर खान तक, इन अभिनेत्रियों ने प्रेगनेंसी के दौरान कई किलो वजन बढ़ाया था, लेकिन डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ही इन अभिनेत्रियों ने अपने मोटापे से छुटकारा पा लिया था। तो चलिए देखते हैं कैसे इन अभिनेत्रियों ने डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ही दोबारा फिटनेस को पाया। करीना कपूर खान। 40 साल की उम्र में करीना कपूर खान दूसरी बार मां बनी हैं। करीना का नाम उन अभिनेत्रियों में शामिल होता है जो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सजग हैं। जिम के अलावा वो योगा करके भी अपनी फिटनेस को बरकरार रखती हैं। बता दें कि 2016 में जब करीना पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, तब उन्होंने अपने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में 25 किलो वजन गेन किया था। तैमूर के जन्म के एक महीने बाद ही करीना अपने योगा रूटीन पर लौट आई थीं और तेजी से वजन घटाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार होता है। 47 साल की उम्र में भी ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती और फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है। हालांकि ऐश्वर्या वो अभिनेत्री हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दिनों में बॉडी शेमिंग का शिकार भी होना पड़ा था। ऐश्वर्या का बढ़ा हुआ वजन लंबे वक्त तक बहस का मुद्दा बना था, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने बढ़े हुए वजन की बजाय आराध्या को प्राथमिकता दी थी। ऐश्वर्या ने एक झटके में वजन घटाने की बजाय पावर योगा, ब्रिक्स वॉक और जॉगिंग के जरिए छोटे छोटे स्टेप्स में वजन घटाया था। अब वो पहले की तरह फिट हैं। शिल्पा शेट्टी। 45 साल की शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की फिटनेस एम्बेसडर हैं। अपनी सुपर स्लिम और फिट बॉडी की बदौलत शिल्पा उम्र को भी मात देती दिखती हैं। शिल्पा साल 2012 में बेटे वियान की मां बनी थी। प्रेगनेंसी के बाद 3 महीनों के भीतर शिल्पा ने स्ट्रिक्ट डाइट और फिटनेस रेजिम के जरिए तकरीबन 21 किलो वजन घटाया था। एक इंटरव्यू में शिल्पा खुलासा कर चुकी हैं कि वो रोजाना 20 मिनट की कसरत करती हैं, जिसमें पैदल चलना, सीढ़ी चढ़ना और योग जैसी सरल गतिविधियां शामिल हैं। सोहाली खान। सोहाली खान भी बॉलीवुड की फिट मॉम्स में आती हैं। सोहा ने प्रेगनेंसी के दिनों में भी अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखा था। प्रेगनेंसी के दौरान सोहा ने घर के बने हेल्दी और पौष्टिक आहार के साथ साथ प्रीनेटल एक्सरसाइज पर जोर दिया था। अपनी ट्रेनर के बताए अनुसार सोहा वो सभी योगासन किया करती थी जिन्होंने प्रेगनेंसी में भी उनके वजन को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया था, और डिलीवरी के कुछ हफ्तों बाद ही सोहा पुरानी शेप में लौट आई थी। मंदिरा बेदी। 48 साल की मंदिरा बेदी शादी के 12 साल बाद मां बनी थी। प्रेगनेंसी पीरियड को मंदिरा अपनी जिंदगी का सबसे शानदार वक्त बताती हैं। इस दौरान मंदिरा ने फिटनेस की बजाय न्यूट्रिशन पर ज्यादा जोर दिया था। सी सेक्शन से बेटे को जन्म देने के कुछ वक्त बाद ही मंदिरा ने योगा के सहारे पहली जैसी फिटनेस को दोबारा पा लिया। करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर 2 बच्चों की मां है, फिर भी वो बेहद फिट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तब उन्होंने 25 किलो वजन बढ़ाया था, लेकिन करिश्मा स्ट्रिक्ट जिम रूटीन फॉलो नहीं करती हैं। उन्होंने अपने प्रेगनेंसी फैट को योगा और स्विमिंग के जरिए घटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।